हेलो। सो एज यू ऑल नो, आई होप ऑल यू आर वेल। सो आज मैं जीसीसी आ रखा हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट आईपीडीटी लीड के बारे में, पूरा डिस्कशन कि बीटेक क्यों मैंने कोई ज्वाइन करा, क्यों आपको करना चाहिए, पूरा सिलेबस, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, आईपीडीटी जो मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे उसको लेकर। सो उसके लिए आज मैं पूरा बताऊंगा आपको। और कोई भी और लीड देना चाहता है तो मतलब पूरा लीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली आईपीडीटी जो मैंने दिए थे उसके ऑल लीड में आपको बस थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पूरा मैं डिस्कशन करने वाले हैं आईपीडीटी लीड के। सो आप एज ऑल ऑफ यू नो, आई गॉट 1 रैंक इन आईपीयू एंड द सेकंड रैंक इन डीटीयू, दैट्स इट। सो यस, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई एक्चुअली डिड बीटेक। सो व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा, लाइक व्हेन यू पास आउट फ्रॉम डिप्लोमा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। सो इधर यू कैन गो फॉर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और हायर स्टडीज बीटेक, दैट एक्चुअली आई ऑप्टेड फॉर, राइट। सो मैंने लाइन बाई लाइन क्या नहीं करा वो बताऊंगा। प्राइवेट जॉब मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि यू नो एज अब हम देख रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब में कितना बूम आ रहा है, इतना अच्छे से पैकेज जा रहे हैं आफ्टर बीटेक, आफ्टर एमबीए और लाइक आफ्टर एमटेक और व्हाटएवर फॉर हायर स्टडीज। तो उसको देखते हुए मैंने बोला कि मैं 3 साल बाद अब जॉब कर रहा हूँ, सिर्फ 3 साल और पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लोर करके देखूंगा। सो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक बाय बीटेक आपको पता लगा मैंने क्यों ज्वाइन करा। मैं चाहता था कि अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करना और मैं नहीं चाहता था कि मैं डिप्लोमा के बाद जॉब ले लूँ छोटी मोटी, उसके बाद मैं बड़ा पढ़ना चाहता था जैसे देख रहे थे और बच्चे हायर पैकेज लैक्स में ले रहे हैं, वो मेरा एम था। उसको देख के मैंने बीटेक ऑप्ट करा और आप भी ले सकते हो। और लाइक शुरू में घबराहट होती है पर धीरे धीरे जैसा एज आप बीटेक करोगे 3 साल में आप उस एयर में रहोगे, आप उस यू नो उस एयर में रहोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलेंगी। तो मैं बोलूँगा बीटेक ज्वाइन कर सकते हो, घबराओ मत कि डिप्लोमा हमें तो मैथ्स नहीं आती, ये नहीं आता, धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। सो धीरे धीरे सब होता रहता है। तो दैट्स वाई फॉर 3 ईयर बीटेक एंड माई एम वुड बी प्लेसमेंट एंड फर्दर स्टडीज एज वेल। तो मैंने ये चूज करा, क्यों करना है वो बताया। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही आती हैं काफ़ी बच्चों के बीच में, ठीक है, वो मेरा नहीं था। बट अगर आपकी फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फीस मैक्सिमम देखो पता है डीटी की 2 लाख है, आईपी की 1.5 लाख है, पर यस फीसेस तो आप उसका कर सकते हो। देखो धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं, आप ये डिसीजन मत ले लेना कि यार मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं बीटेक के लिए तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अलावा ही वहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है। आपको पता है स्लाइट 10 बच्चों के जो ग्रुप में लगभग 24 करते हैं जो अच्छी रैंक आते हैं उनको फ्री में बीटेक कराता है, वो भी आपके लिए ऑप्शन है। आगे जाके स्कॉलरशिप भी है और इवन अगर मैं बात करूँ जो आईपीयू में जो गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुआ है, ठीक है, लाइक आईपीयू में जो गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुआ है उसकी फीस सेवा आपको बता देता हूँ, राइट। सो फॉर USICT इट इज जस्ट 79,000, आफ्टरवर्ड्स इट विल बी 73, सॉरी 70,000 ओनली इट सेल्फ। 70,000 एक साल की फीस है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है बीटेक के लिए और सारी प्लेसमेंट यहाँ बढ़िया हो रही होंगी। सो USICT तो बहुत अच्छा कॉलेज है। फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं है तो दबा के मेहनत मारो USICT के लिए 2023 में, और हो सके तो बहुत सारे कॉलेज आपके लिए आ रहे होंगे, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस स्लाइड तो फ्री में कराता है आपको पता है टॉप बच्चों को। आईपीयू की टॉप जो USICT है वो सिर्फ 79,000 में बीटेक करा रहा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसके लिए एम कर सकते हो। इस साल लगभग 3 3 सीट ईसी मतलब लगभग 18 सीट इस बार है, सो आपका एम रहे। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, छोड़ना मत तैयारी, तैयारी अच्छे से करना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, वरना तो आपके लिए मेट मारा जाएगा सीन। 1,37,000 डीटीयू आपके लिए पड़ा है, सारे कॉलेज आपके लिए पड़े हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बताऊँ। धीरे धीरे आप जाओगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी तो घबराना मत। सो यस, दिस वॉज द फीस पार्ट एंड USAR जो है उसकी 1,37,000 है, इसकी 79 आई टोल्ड यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ एंड यस ठीक है। सो आई टोल्ड यू लाइक बट आर द ऑप्शन ऑफ अ डिप्लोमा, राइट। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो बता दिया कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता था, मैं चाहता 3 साल और पढ़ लूँ फिर जॉब कर लूँ, क्योंकि ये सेक्टर जा रहा है यू नो काफ़ी लैक्स में जॉब जा रही है, वो आपको बता दिया मैंने, ठीक। मैंने बीटेक क्यों ऑप्ट करा, सो ये सिलेबस आईपी का ये बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी आईपी लीड की, कितने क्वेश्चंस करे, क्या मेरा आपको मैं बताऊंगा, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो ये डीटी का मैंने एग्जाम दिया था उसका सिलेबस, मेरी स्ट्रेटजी डीटी की। इज इट वर्थ इट टू टेक कोचिंग फॉर लीड, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन इन एवरीवन माइंड, राइट, कि कोचिंग लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। सबको पता है फाइनल ईयर में कोचिंग ले लो मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, एम रखो तो 1 साल पहले ले लो, 8 महीने पहले लो, 10 महीने पहले ले लो, सर्दियों में हो जाओ, अगस्त में हो जाओ, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सच इतने कंपटीशन नहीं है यार, ठीक
है, एक साल पहले कर लोगे बहुत है, सीरियस हो जाओ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। इज इट वर्थ इट टू टेक कोचिंग फॉर लीड? सो लाइक काफी लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर लो, बट जैसे मैं बोलूँगा आप बीटेक कर भी लोगे उसके बाद आपके पास काफी ऑप्शन रहेंगे, लाइक यू विल हैव एमटेक फॉर गेट राइट, एंड यू विल हैव कैट, यूपीएससी, मेनी अदर ऑप्शंस आ गया, बट जस्ट आफ्टर डिप्लोमा यू गोना गो फॉर हायर स्टडीज, देयर विल बी वन ऑप्शन फॉर यू दैट इज बीटेक राइट। सो आपको बीटेक में जाना है, डू ऑर डाई सिचुएशन, सो यू शुड हैव द राइट श्योरिटी। आपको श्योरिटी नहीं चाहिए कि यार मुझे इधर ही जाना, तो कोचिंग उसका पार्ट होगा राइट। लाइक जो बच्चे कोचिंग ले लेते हैं उनको रिग्रेट नहीं रहता कभी यार हमने कोचिंग नहीं ली, हुआ है नहीं हुआ, पर जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो रिग्रेट यही रहेगा कि कोचिंग नहीं ली। सो श्योरिटी के लिए आपने क्या करना, इट विल बी वेरी वर्थ इट फॉर यू टू टेक कोचिंग राइट। दिस इज माई एडवाइस टू यू राइट, यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग इफ यू वॉन्ट। माई रिकमेंडेशन विल बी जीसीसी एज़ वेल, ऑल ऑफ यू नो आई स्टडीड फ्रॉम हियर, लाइक आई टुक थर्ड बैच में मैं था जीसीसी में, और मैंने फरवरी में ज्वाइन करा था आपको पता, तो फुल टाइम मेरा बैच था यहाँ पर, मैंने ऐसे पढ़ाई करी, ये जीसीसी था, आप ज्वाइन कर सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, ठीक है, एक्सप्लोर करो कौन फैकल्टी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कोई और ज्वाइन करना है और ज्वाइन करो। हमें जी हमारा क्वेश्चन था इज इट वर्थ इट टू टेक कोचिंग फॉर लीड, सो आई टोल्ड यू व्हाई इट इज वर्थ इट फॉर श्योरिटी, इट इज अ डू ऑर डाई सिचुएशन, एंड फॉर हायर स्टडीज यू ओनली हैव वन ऑप्शन दैट इज बीटेक, यू डोंट हैव मेनी ऑप्शन, सो इज इट वर्थ इट और नॉट, देन माय मैसेज फॉर जूनियर्स हम लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं राइट, आई शो यू द फीस नाउ, सो लेट्स एक्चुअली let me tell you about the IPU syllabus now. What are the syllabus of IPU, right? So आपको पता है GCC की वेबसाइट पे जाओगे आपको सब मिल जाएगा राइट। आप जाओगे GCC की वेबसाइट को पूरा ऑल लीड का सिलेबस आपको मिलेगा, यू कैन गो इन GCC वेबसाइट एंड जस्ट यू कैन मूव हियर, यू विल गेट द होल सिलेबस ऑफ GCC, होल सिलेबस। तो IPU का मैं बता दूँ लाइक मोटा मोटा, मैकेनिक्स में लॉ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम, प्रोजेक्टाइल मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सारे ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। काफी लीटों में पूछा जाता है, कोचिंग लेने का फायदा करेगा कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बताया जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि आप कोचिंग ले लेना स्ट्रक्चर्ड वे में, अब ऐसे नहीं कि आप इधर उधर हाथ मार रहे हो, ठीक है, एक ही जगह पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना, तो आपका ध्यान भी रहेगा और टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। ये हमारा मैकेनिक्स का पार्ट था, ये आपको बता दिया, आप देख सकते हो जीसी वाइफ पे, जीसी की वेबसाइट पर सारा सिलेबस पड़ा है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ सो दैट द वीडियो इज वेरी शॉर्ट। सो आईपी सिलेबस मैथ्स 25 मार्क की, मैकेनिक्स 25 की, रीजनिंग एप्टीट्यूड ये डॉलर लगा के आपको पता है, मैंने बाद में बताऊंगा। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जनरल पार्ट आता है, फुल फॉर्म आएगी, यहाँ पर क्या पढ़ना है ना वो पता नहीं रहता एक्चुअली, पर कोचिंग में आओगे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे यहाँ आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इवन जीसीसी में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जनरल पार्ट पूछा जाता है और आपकी फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कंप्यूटर जनरल पार्ट आता है, इसमें से 22 क्वेश्चन में लिखे हैं, 3 फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाते हैं, वो आपको जीसीसी में पढ़ाएंगे क्योंकि हम वर्स्ट केस के लिए पढ़ाते हैं जीसीसी में ना, पीछे कोई भी कोचिंग में जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ भी पढ़ा रहे हैं और अभी पढ़ा रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो फॉर वर्स केस, वरना मैं नहीं बोलूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा जोर डालो, स्पेसिफिक आईपीयू डीटीयू नहीं आता, देख दो क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर फोकस करना, ठीक है। कंप्यूटर के साथ सर पढ़ाएंगे, देखो कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चंस लगाओगे, कंप्यूटर क्लासेस लोगे, प्लस इसके लूसेंट भी आप ऐड कर सकते हो, लूसेंट पढ़ सकते हो, कंप्यूटर की जनरल अवेयरनेस हेल्प करेगा थोड़ा, अपने कोचिंग के साथ साथ अपने भी एफर्ट डालने, तब रिजल्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड का अगर मैंने डॉलर डाला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू फोकस अमंग देम रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये मेरी स्ट्रैटेजी रही, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट। 25 आ रहे हैं, इससे ज्यादा भी आ जाते हैं, कुछ एप्टी क्वेश्चन मैथ्स में भी आ जाएंगे, और डी टू को तो आपको सिलेबस पता ही है राइट, मैथ्स की 45, रीजनिंग 22 क्वेश्चन, एप्टी मतलब 45 क्वेश्चन, 90 में से 45 क्वेश्चन रीजनिंग एप्टीट्यूड आ रहा होगा, सेम हमारा डी टी आई पी में भी है राइट। सो डॉलर लगा रखा, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो मेरे को एक्सेल कर गई काफी, काफी बच्चे जैसे इवन टॉप 10 में बच्चे हैं, 10 क्वेश्चन में उनसे ज्यादा लगा के आया हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनिंग एप्टीट्यूड। एंड व्हेन आई एम सेइंग अबाउट दिस डॉलर इज बिकॉज दिस गोना हेल्प यू इन इफ यू नो गो लाइक फॉर गेट, गेट में भी रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, गवर्नमेंट जॉब जाओगे वहाँ भी रीजनिंग एप्टीट्यूड आ रहा होगा। सो रीजनिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है, और सब पे ध्यान देना है, कंप्यूटर मैकेनिक्स पर रीजनिंग एप्टीट्यूड ज्यादा दे देना, जीआरई दोगे उसमें भी आपके काम आने वाला रीजनिंग एप्टीट्यूड राइट, हमेशा आपके काम आएगा। दैट्स अबाउट द सिलेबस, और रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड कोड यहाँ मिलेगा, सिलेबस देखना है तो आप वेबसाइट पर देख सकते हो, एनालिटिकल कोड, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये रीजनिंग का एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम एंड वर्क, कितने दिन में कितना काम करा है, ऐसे मतलब वर्क परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज और पूरा जो कोर्स रहेगा सिलेबस, वो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तभी मैंने कोचिंग सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। सेल्फ स्टडी में आपको पता ही लगेगा यार कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, स्ट्रक्चर कोई भी कोचिंग फेल कर सकते। सो रीजनिंग एप्टीट्यूड एज ऑल ऑफ यू नो आई टोल्ड यू अबाउट दिस,
डॉलर, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा आपको, दिखा दिया सिलेबस, लॉ ऑफ फोर्स सारा आएगा आपके, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, वो फिजिक्स का पार्ट भी मैकेनिक्स में ऐड करवा देंगे। मैं जिस चीज़ में बात हुई है, कुछ फिजिक्स का पार्ट मैकेनिक्स में भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिजिक्स मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, पूरे आते हैं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन आएंगे मैकेनिक्स के। इसके साथ सर आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा एक उपाध्याय भी कर सकते हैं, नॉट सेल्फ स्टडी, आई एम सेइंग विद कोचिंग एक्सेल करने के लिए एक उपाध्याय की रीडिंग और 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद। यू कैन नॉट फॉर लूस एंड आई टोल्ड यू हियर मैथमेटिक्स यहाँ आपको करा दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में ज़्यादा जाओगे तो यार बहुत डीप हो जाएगा। कोचिंग में आपको सिंपल 11 12th के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आगे भी आपकी हेल्प आएंगे। मैथमेटिक्स सिंपल आपको हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। आकाश पंडित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना। जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है, यहाँ करना है, कहाँ करना है, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में। ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा बुक्स नहीं लगानी। बच्चे क्या करते हैं, बुक्स के पीछे भागते हैं। अरे एक स्ट्रक्चर, एक एक बुक लेके चलो, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, अपने नोट जो बना रहे हैं बस उनको रिविजन करो, दैट्स इट। ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो। मैथ्स में बस एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन लगाने हैं आपको, वही रिविजन, रिविजन पर ज़्यादा फोकस करना है। इतना कंटेंट लेके याद कुछ आने तो क्या फ़ायदा। क्वालिटी इज बेटर देन क्वान्टिटी, या वैसे आपको रखना है। मैथमेटिक्स आई टोल्ड यू, या नो बुक फॉर दैट, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। और कुछ छूट रहा है? यस, रीजनिंग एप्टीट्यूड इन मेन कंप्यूटर जनरल पार्ट, बुक्स आई हैव टोल्ड यू। लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल सिलेबस नाउ, राइट। मैथमेटिक्स में वही 45 क्वेश्चन, वही चीज 11 12 पढ़ाया जाएगा अच्छे से। रीजनिंग एप्टीट्यूड अगेन ही और तो डी में भी आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड बोला जा रहा है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, सब पढ़ाया जाएगा। सेल्फ स्टडी में क्या होगा ना कि पता नहीं लगेगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में रीजनिंग एप्टीट्यूड बुक्स भी खरीद सकते हो, उन्हें मॉड्यूल दिए रहेंगे, प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पढ़ाई होगी, प्रैक्टिस करनी है, वही अच्छा एक्सेल करेगा। दैट इज फॉर डी टी सिलेबस। 90 मार्क का पेपर आता है मैथ 45, रीजनिंग एप्टीट्यूड 45, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई स्कोर। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि मैंने जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड फोकस करा था, हर चीज़ पर फोकस था। कंप्यूटर मैंने बुक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स में बुक्स पढ़ी थी, सर का पढ़ाया पढ़ा था, नोट्स पढ़े थे, तब जाकर रैंक आती है। एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड इज समथिंग विच गॉट मी एक्सेल्ड, राइट। सो माई स्ट्रैटेजी इन आई पी लिट इज लाइक आई अटेम्प्टेड आउट ऑफ 170 क्वेश्चन, I attempted 70 question, out of 68 is correct, are correct. Total marks were 270. I have written a bracket, don't go for negative marking, right? Don't go for negative marking. This is going to something which is going to come, right? My message to juniors, that is something, मेरी जो एडवाइस है वो बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो जैसे मैं आपको बताया, डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग, राइट। मैंने 70 क्वेश्चन करे, 100 में से 68 सही थे फॉर IPU 2022, और ओनली 2 वर रॉन्ग। और क्वेश्चन पेपर काफी हार्ड बना था, मैं एक्यूरेसी पे गया, यानी कि यार 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं, उसमें नेगेटिव करके ना यार 4 मार्क तो कटते हैं, 1 मार्क और कट जाता है। ऐसे आपको पता लगा 30-40 मार्क तो नेगेटिव में कट गए, तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत पीछे चले जाते हैं बच्चे, तो डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। जो आ रहे हैं वो करेंगे, और जो लग रहे हैं कि यार हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है शायद तो कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत। दिस वॉज माई पार्ट, आई अटेम्प्टेड हाउ मच आई अटेम्प्टेड फॉर IPL, राइट। नाउ वी गोना कम माई स्ट्रैटेजी नेटिवली। I attempted, okay, 50 questions, out of that 45 or 40 were correct, even 35, 40, 45 correct, ये range ले सकते हो, इतने करेक्ट हो, सेकेंड रैंक आ गई थी। रीजनिंग एप्टीट्यूड अगेन इसमें आई थी, मैथ्स अगेन आया था, बता दिया सब पढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे में आई टोल्ड यू इट इज वर्थ इट टू टेक कोचिंग फॉर लीड और नॉट, आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डू ऑर डाई सिचुएशन फॉर यू, यू डोंट हैव मेनी मेनी ऑप्शंस। कैट नहीं है आपके पास, गेट नहीं है आपके पास, UPSC नहीं है आपके पास, सिंपल बीटेक है, आई स्टडी पे जाना, और ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सो फॉर श्योरिटी यू कैन ज्वाइन कोचिंग, राइट। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो फॉर श्योरिटी, राइट, कि हमें करना ही करना है, ठीक है। माई मैसेज फॉर जूनियर्स कि आप कोचिंग ज्वाइन करें, GCC करो, कोई और कोचिंग करना है कोई और कोचिंग करना, एक्सप्लोर करो। मेरे हिसाब से GCC अच्छी लगी मुझे, मैंने GCC ज्वाइन करी थी, मैंने भी एक्सप्लोर करा था आपकी तरह। आप अपनी एक्सप्लोर करो और अपना कंटेंट तैयार करो कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे GCC अच्छा था, मैंने 3rd batch ज्वाइन करा था, आपको बता दूँ। माई मैसेज फॉर जूनियर्स, दिस वॉज माई मैसेज कि नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। फाइनेंशियल कंडीशन में आपको बताया था कि लाइक वाई आई चोज बीटेक, लेट्स गो अगेन देयर, लेट्स गो अगेन देयर, बने रहो। लाइक वाई बीटेक, आई टोल्ड यू एक्सप्लोर करते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लिमिटेड रहना है। धीरे धीरे आप बीटेक में जाओगे, क्या पता स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको कुछ ऑप्शन भी बताएं कि यार पढ़ाई में दबा के मेहनत करो, ऐसा मोटिवेशन लो फाइनल कंडीशन, और मेहनत करेंगे टॉप 10 में रैंक लेंगे। IPU में USICT ज्वाइन करेंगे, 79,000 फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है,
और यू नो फीस बहुत कम है, स्कॉलरशिप मिलेगी, अब इतने कम में बीटेक हो रहा है, बहुत बढ़िया, और स्लाइड में फ्री में होता है, और स्कॉलरशिप भी होती है। आईपी महाराष्ट्र कृषि में जाओगे वहाँ आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप, और आपको D2 मिल सकती है। तो आप लिमिटेड में रहना कि मैं तैयारी नहीं कर रहा, फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं है। सो दैट आई टोल्ड यू व्हाई यू शुड गो फॉर बीटेक, एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ सकते हो, जस्ट डोंट बी लिमिटेड, या एज इज वेरी लेस। आई टोल्ड यू लीड सिलेबस माई स्ट्रेटेजी, ओके, सो लेट्स, यस लेट्स चेक, लाइक आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ द थिंग्स, या इज इट वर्थ इट, यस। माई मैसेज फॉर जूनियर्स यही रहेगा यार, नेगेटिव मार्किंग में जाना, अच्छे तैयारी करो, और मेरी जो आपसे जो मैसेज रहेगा ना वो ये रहेगा कि आप लोग ना जैसे ज्वाइन कब करना है, अभी ज्वाइन कर लो, विंटर्स में ज्वाइन कर लो, कभी भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेहनत करते रहो, फ्यूचर पे ध्यान मत देना, जो प्रोसेस है, जर्नी है, उस पर ध्यान देना है, कि धीरे धीरे जो हमारा सिलेबस है उस पर ध्यान है हमारा। बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, क्या पता अच्छे से कॉलेज आने लग जाए, CAC आने लगे टॉप कॉलेज में, कुछ पता नहीं है। तो अभी आपके हाथ में मेहनत है। काफ़ी बच्चों ने IPO का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, ये गलती मत करना। मेनी पीपल डिडंट गिव एग्जामिनेशन ऑफ IPO जस्ट बिकॉज देयर वाज नो गवर्नमेंट कॉलेज। आज वो पछता रहे हैं कि USICT ऐड हुआ है, तो ये गलती मत करना। हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, हमें पे ऑप्शन है, 1000 1000 रुपये फीस है, पेपर भरने की तैयारी करते हैं, बैठ से कॉलेज अगले साल ऐड हो जाएंगे। USICT इस बार ऐड हुआ है, DTU ने 96 सीट्स ली हैं, और CUT में HBT आ रही, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं यार। तो बीटेक में जा सकते हो, और इतने अच्छे से कॉलेज मिल रहे हैं आपको, पता है कि जे मेन्स में 8 8 लाख पीपल एक्चुअली गिव एग्जामिनेशन, राइट, जे मेन्स, उसमें भी 99% पे USICT, 95% पे, इवन मेट में भी 35,000 तक एडमिशन होता है, लास्ट जनरल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हो इतने अच्छे साथ बच्चों के साथ मौका मिलेगा आपको बैठने का, इतने अच्छे कॉलेज में जाओगे, घटिया कॉलेज में जाएंगे। IPU है, DTU है, स्लाइट है, सारे अच्छे कॉलेज हैं, और IGDW, NSUT, काफ़ी कॉलेज ऐड हो सकते हैं, राइट। तो लिमिटेड मत रखना, तैयारी करना, ठीक है, जरूर तैयारी करना, बीटेक के लिए जरूर करना है, मेरी राय रहेगी आप लोगों की, मेरा मैसेज रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन में ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं यार, ठीक है। और ये मेरा मैसेज रहेगा कि मेहनत पे फोकस करना है, फ्यूचर पे ज़्यादा मत रखना, अभी हाथ में हमारी तैयारी है, कुछ नहीं पता क्या कॉलेज, कौन सा कॉलेज ऐड होगा, नहीं होगा, क्या होना है, लेट्स वट इज एक्चुअली इन आर हैंड राइट नाउ, राइट, अभी हाथ में क्या हमारे, तैयारी है, तो तैयारी करते हैं, पूरा जो सिलेबस बताया, क्या स्ट्रैटेजी है, बुक्स किस पर फोकस करना है, ठीक है, सब बता दिया आपको, आराम से तैयारी करनी, और आप कोचिंग में आ सकते हो, गूगल पर सर्च करो, एक्सप्लोर करो सब्जेक्ट क्या है, और अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन करो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ योर जर्नी गोज वेल, हु आर एक्चुअली वॉचिंग इट, थैंक यू, राइट।